हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2 ऑफ द चैप्टर न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स। हम क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10th पढ़ रहे हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, राइट। तो अब हम कवर करेंगे इसका पार्ट नंबर 2। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसे कि प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो गुप्त रूलर्स हैं उनके बारे में हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स से। तो उसी तरह से जो रूलर थे, जो राजा थे हर्षवर्धन, उनके बारे में हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलती है बायोग्राफीज से, राइट। तो देखिए यहाँ पे बाणभट्ट थे, बाणभट्ट जिसे कहते हैं बाणभट्ट, ये पोइट थे, कोर्ट पोइट थे हर्षवर्धन के, और इन्होंने एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र, ठीक है। तो जो ये बायोग्राफी थी ये हर्षवर्धन की लाइफ पे बेस्ड थी, उनके विक्ट्रीज, उनके लाइफ के बारे में सारी चीज़ें थी इसमें, ठीक है। और ये लिखी गई थी संस्कृत में। तो क्वेश्चन ये बनता है कि हर्षवर्धन की बायोग्राफी कौन सी थी, वो तो नाम से पता चल रहा है हर्षचरित्र थी। किसने लिखी थी, बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट कौन थे, हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट थे। किस लैंग्वेज में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई थी। तो ये क्वेश्चन हैं जो यहाँ से बनते हैं। उसके बाद आता है ज्वानजेंग, ये एक चाइनीज़ पिलग्रिम थे या आप कह सकते हैं ट्रैवलर थे। बुक में ये मेंशन नहीं है कि ट्रैवलर थे या पिलग्रिम्स थे। तो इन्होंने अपने काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स जो हैं वो यहीं पीछे छोड़ दिए, मतलब इंडिया में छोड़ दिए हैं, जिससे हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है हर्षवर्धन के राज के बारे में, ठीक है, उनके कोर्ट के बारे में। ओनली डिफीट ऑफ हिज लाइफ बाय, अब हर्षवर्धन ने आज तक, आप बहुत हैरानी की बात है कि उन्होंने जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी, जितनी भी बैटल्स लड़ी, उन सब में वो जीते, उन सब में वो विजय हुए एक्सेप्ट वन। और वो एक कौन सी थी, चालुक्य रूलर थे एक पुलकेशिन टू, उनसे ही इनके जीवन की एकमात्र हार थी, बाकी जितनी भी बैटल्स हुई ये सब में जीते थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि इनके जीवन की इकलौती हार किस रूलर के साथ थी, तो वो पुलकेशिन टू के साथ थी जो कि चालुक्य के रूलर थे, ये भी आपको याद रखना है। और ये कर्नाटक के आसपास का एरिया था, बट इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बाणभट्टा, कोर्ट पोइट, बायोग्राफी, हरिश्चित्र, संस्कृत एंड चालुक्य के रूलर पुलकेशिन टू, ये चीज़ें तो बिल्कुल आपके टिप्स पर होनी चाहिए, राइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए जो बुक है इसमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दी गई है पल्लवास के बारे में और चालुक्यास के बारे में, ठीक है, तो वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। पल्लव जो थे, पल्लव राजा जो थे, इनकी कैपिटल क्या थी, कांचीपुरम, ठीक है। कांचीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु में। ये स्प्रेड था अराउंड कावेरी डेल्टा, जो कावेरी रिवर जहाँ पर डेल्टा बनाती है उसके आसपास के एरिया में इनकी इनका एरिया था, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चालुक्य के बारे में कि चालुक्य कौन थे। तो इनका एरिया आता है रायचूर दोआब के आसपास का एरिया, ठीक है। अब रायचूर दोआब कहाँ है ये आपको खुद सर्च करना है। कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर, अब कृष्णा तुंगभद्रा ये कर्नाटक के आसपास बहती हैं, इवन कर्नाटक में बहती हैं, ठीक है। तो इनकी कैपिटल क्या थी, चालुक्य का मेन चीज़ है कैपिटल क्या थी। एहोल, एहोल कहाँ है, कर्नाटक में है, राइट। अब जो एहोल था, या एहोल था, ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, इम्पॉर्टेंट रिलीजियस सेंटर भी इसे बनाया गया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्पल्स बनाए गए, राइट। ये और इस, ये जो डायनेस्टी है चालुक्य डायनेस्टी, इसके बेस्ट नोन रूलर कौन थे, पुलकेशिन टू। अब पुलकेशिन टू चालुक्य रूलर थे, हमें कैसे पता चलता है, हमें पता चलता है प्रशस्ति से। प्रशस्ति क्या होती है, हमने प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था, प्रशस्ति होती है एक स्पेशल तरह की इंस्क्रिप्शन, और ये इसका संस्कृत, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है इन प्रेज ऑफ, यानी कि प्रशंसा में, यानी कि पुलकेशिन टू की प्रशंसा में एक इंस्क्रिप्शन, एक प्रशस्ति लिखी गई थी, जो किसने लिखी थी, रविकीर्ति ने। रविकीर्ति कौन थे, पुलकेशिन के कोर्ट पोइट थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको बिल्कुल माइंड में रखने, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में, राइट। उसके बाद है समानदास, तो ये आपको, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा कि आंसर राइटिंग में से आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए राजा होते हैं, कई बार राजा क्या होते हैं, वो अपनी आर्मी, अपनी रेगुलर आर्मी, अपनी स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। उस टाइम पे क्या होते हैं, समानतास काम आते हैं। समानतास क्या होते हैं, ये मिलिट्री लीडर्स होते हैं, ठीक है, जो राजा को ट्रूप्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। जब भी राजा को ज़रूरत है आर्मी की, तो ये जो मिलिट्री लीडर्स होते हैं समानतास, ये उनको ट्रूप्स प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। इनको कोई रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती हैं, ठीक है, और इनको, इनका काम क्या होता है, जो भी इनके सोल्जर्स हैं उनको मेंटेन करना, उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था करना, जो भी घोड़े हैं या जो भी इक्विपमेंट हैं, युद्ध के इक्विपमेंट, उन सबका ध्यान रखना, ये समानतास का काम होता है। लेकिन जब भी किसी के लिए युद्ध लड़ते हैं, तो उस टाइम राजा इनकी, राजा इनको जो भी है रेवेन्यू या जो भी पैसे देते हैं, प्लस इनको रेगुलर सैलरीज नहीं दी जाती हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट जो कि लास्ट भी है इस चैप्टर का, कालिदास का एक फेमस प्ले था,
उस प्ले का नाम था अभिजनान शकुंतलम। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं कि दिस वाज द फेमस प्ले ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स। तो वहाँ पे चार पांच नाम होंगे, हम कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि हमने नहीं पढ़ा होता ये स्टैंडर्ड बुक्स में, बट ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बनते हैं। यहाँ पे देखिए, आज के वीडियो का जो मेन पार्ट है वो ये वाला पार्ट था, ठीक है, जो पल्लव और चालुक्य हैं इन दोनों के कैपिटल्स इंपॉर्टेंट हैं, पुलाकेशिन टू और इनके प्रशस्ति वाला इंपॉर्टेंट है, एंड देन ये अभिजनान शकुंतलम इंपॉर्टेंट है। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट वैसे ही मैंने आपसे डिस्कस कर लिया, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मैंने इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आप कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। प्लस इसी के साथ अगर आप इसका प्रीवियस पार्ट देखना चाहते हैं तो लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे जाके आप उस पार्ट को भी देख सकते हैं। एंड आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है कि आप नोट्स बनाएं, तो आप चाहें तो थोड़े बहुत नोट्स यहां से बना सकते हैं। मैंने थोड़े डिटेल में बनाए हैं क्योंकि मुझे वीडियो भी बनाना होता है, मुझे ये चीज़ भी ध्यान रखनी होती है कि कोई टॉपिक रह ना जाए। बट जैसे अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये वाला पार्ट बनाइए, इन दोनों डायनेस्टीज का नाम एंड इनकी कैपिटल लिखिए और लास्ट में ये लिखिए, एंड दैट्स इट। आज के पार्ट में यही इंपॉर्टेंट था, राइट। सो दैट्स इट गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। सो सी यू सून।